हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग इट इज चैप्टर नंबर 6 पार्ट नंबर 4 पढ़ेंगे, ठीक है। अब इस पर हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था बेटा कि किस तरह से डीएनए और आरएनए डिफरेंशिएट हो रहा है, उसका अलग अलग क्या क्वालिटी था, डिफरेंशिएट था कि कौन सा स्टेबल है, कौन रिएक्टिव है, कौन कैटलिस्ट का काम कर रहा है वैसे। तो बेटा यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट आज का टॉपिक आ रहा है, दैट इज व्हाट यू मीन बाय द सेंट्रल डॉगमा। सेंट्रल डॉगमा का मीनिंग है कि तुम्हारे बॉडी में ये चीज होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये, ठीक है, ये अक्कर होने ही वाला है। बायोलॉजी ने ये चीज प्रूफ कर रखी है। तो सेंट्रल डॉगमा क्या होता है कि ये हमेशा वन वे है, वन वे, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज द यूनिडायरेक्शनल है, वन वे एंड यूनिडायरेक्शनल। क्या है यूनिडायरेक्शनल? हमेशा जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है। कौन सा इंफॉर्मेशन? दैट इज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ओके, कौन कर रहा है? जो डीएनए बनाएगा। ओके, समझ में आया? तो वो जो डीएनए बनाता है और वो क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन को फ्लो करता है किस में, दैट इज द आरएनए में, ठीक है। और यही आरएनए काम करके एक वो क्या बना देगा, एक पॉलीपेप्टाइड, दैट इज द प्रोटीन, एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है। तो बेटा ये जो हुआ है, ये डीएनए टू आरएनए हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। और ये इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज ट्रांसलेशन। ये है सेंट्रल डॉगमा जो हमेशा यूनिडायरेक्शनल ऐसा बोला गया है, ठीक है। तो ये किसने दिया था सेंट्रल डॉगमा? 1958 में क्रिक ने ही दिया था, क्रिक ने ये बोला था, ये सेंट्रल डॉगमा। ओके, हमें पता है कि डीएनए क्या हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन यानी एक से दूसरा दो होना। तो डीएनए रेप्लिकेशन होता है, और ये रेप्लिकेशन होके वो क्या बनाता है, आरएनए। कैसा आरएनए बना रहा है? दैट इज द एमआरएनए बनाता है। और यही एमआरएनए फिर दैट इज द पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन बनाता है। ओके, हमेशा जो हम लोगों ने बोला है कि ये जो फ्लो हो रहा है वन डायरेक्शनल में, क्रिक ने बोला, वैसे ही कौन आया था, एक और साइंटिस्ट आया था, टैमिन करके आया था, दैट इज 1970 में एक साइंटिस्ट आया था, उसने ऐसा बोला कि ये जो आरएनए है वो किसमें, कभी कभी क्या हो जाता है, वो डीएनए में भी चले जाता है, प्रोसेस उल्टी हो जाती है। तो जब ये ट्रांसक्रिप्शन हुआ है, तो हमने एड्स में पढ़ा हुआ है ये, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी बोलते हैं। टैमिन ये भी बोल के गया, क्रिक ने बोला ये यूनिडायरेक्शनल है, टैमिन ने ये बोला कि कुछ रेट्रोवायरस होते हैं जो ये सेंट्रल डॉगमा रिवर्स फॉलो करते हैं, ठीक है। और जैसे कि एग्जांपल एचआईवी, तो उसमें बोला है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ओके, तो वहां पे क्या हो जाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू वो क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है। और ये जो पॉलीपेप्टाइड हम लोगों ने बोला है, जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है, तो सेल में प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पे होता है, सेल में प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पे, दैट इज द राइबोसोम्स में होता है, ठीक है बेटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, हमेशा पूछा जाता है बोर्ड में, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था, ये पूरा सीक्वेंस आपको याद रखना है, क्रिक ने क्या बोला और टैमिन ने क्या बोला। तो सेंट्रल डॉगमा क्रिक और टैमिन से मिलके बनता है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट टॉपिक है रेप्लिकेशन, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंजाइम्स और एक्सपेरिमेंट से ये टॉपिक आज हम कंप्लीट करेंगे। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, हमें पता है एक डीएनए से दो डीएनए बन रहे हैं, ठीक है,
उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट मीन्स दैट कि जो क्रिक था वैटसन एंड क्रिक, उसने ऐसा बोला कि जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है किसका, दैट इज द डीएनए का, ठीक है। उसने ऐसा बताया कि ये जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है वो सेपरेट हो जाते हैं, वो क्या हो रहे हैं, ऐसे सेपरेट होते हैं, ओके। जब ये दोनों स्ट्रैंड डबल हेलिकल सेपरेट होते हैं तो वो किसका का, ये क्या एक्ट करते हैं, वो टेम्पलेट स्ट्रैंड कहलाते हैं, और उसको हम लोग टेम्पलेट स्ट्रैंड को क्या बोलते हैं, पेरेंटल स्ट्रैंड भी बोला जाता है। और उसी के साथ क्या लगता है, एक न्यू कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, ये न्यू कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए भी लगता है, ठीक है। तो ये जो न्यू उसके साथ लग रहा है इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज दी कॉम्प्लीमेंटरी डीएनए, ओके। अब यहाँ पे टेम्पलेट जो पेरेंट्रल है उस, और यहाँ पे क्या हो गया, न्यू सिंथेसिस हो गया। तो ये जो न्यू सिंथेसिस और पेरेंट्रल हुआ, इसलिए ये कुछ इंफॉर्मेशन इसके पास हाफ है, पेरेंट्रल की हाफ इंफॉर्मेशन इसके पास है, इसलिए हम लोग ऐसे जो होता है रेप्लिकेशन होता है, इसलिए डीएनए रेप्लिकेशन को मैं क्या बोल सकती हूँ, दैट इज सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब ये डीएनए रेप्लिकेशन कौन बोल के गया, दैट इज द वैटसन एंड क्रिक, उन्होंने ये बोल दिया। पर आपको पता है कि बायोलॉजी वाले एक्सेप्ट, एक ही जो बोल के गया वो एक्सेप्ट नहीं करते, दूसरे लोग उसको प्रूफ करने के लिए तो आते ही है। तो अब यहां पे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाउ डीएनए एक्ट एज अ सेमी कंजर्वेटिव, एक्सप्लेन बाय सेमी कंजर्वेटिव, एक्सप्लेन बाय एन एक्सपेरिमेंट और दैट इज द प्रोसेस, ओके। तो यहाँ पे डीएनए सेमी कंजर्वेटिव जो हुआ था उसको एक्सप्लेन करने के लिए दो साइंटिस्ट आए थे, दैट इज मेसलसन, ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है जिससे डीएनए रेप्लिकेट होता है, मेसलसन एंड स्टेहल, ये दो साइंटिस्ट आए थे 1958 में, और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा था, किसके हेल्प के थ्रू करा था, इश्चेरियन कोलाई, ई कोलाई लिया था, ठीक है। वो क्या प्रूफ कर रहे हैं कि डीएनए रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिवली करता है कि नहीं, सेमी कंजर्वेटिव यानी पता चला ना, एक पेरेंट्रल डीएनए से दो डीएनए में कन्वर्ट होना, तो उसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन सेमी हुआ, कम हाफ हो गया, सेमी मीन्स हाफ हो गया, ठीक है। तो उसने क्या करा, जो ई कोलाई बैक्टीरिया था उसने एक दो मीडियम में ग्रो करा, ठीक है। उसने ऐसा करा, पहले सबसे पहले एक मीडियम में उसने ग्रो किया, ये मीडियम है 15NH4 अमोनियम क्लोराइड। उसने एक ऐसा हैवी नाइट्रोजन लिया, सारे नाइट्रोजन के कंपेयर में ऐसे तो 14 नाइट्रोजन होता है, पर उससे भी हैवी नाइट्रोजन उसने लिया, दैट इज 15N। वो उसको किसमें देखने को मिला, अमोनियम क्लोराइड में देखने को मिला। उसने क्या ग्रो किया इस मीडियम में, दैट इज द ई कोलाई को ग्रो करना उसने शुरू किया। ये नाइट्रोजन का सबसे हैवी सोर्स है, ओके। अब यहां पे इसने जैसे ही ग्रो करना शुरू करते हैं, तो मैं आपको उसको अब यहां पे उसने सपोज्ड ये इसका ये डीएनए, ये मैंने डीएनए बनाया है किसका, बैक्टीरिया का। इसमें एक स्ट्रैंड है 15N है, ठीक है, और दूसरा स्ट्रैंड क्या है, 15N है, ओके। अब यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन करता है वो, सेंट्रीफ्यूगेशन आपको बताया हुआ है, सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसा एपरेटस है, यहाँ पे सब ऐसे ट्यूब्स होते हैं, ऐसे टेस्ट ट्यूब्स होते हैं, और बहुत ही हाई आरपीएम में ये मूव्ड होता है। इसके अंदर पहले से एक डेंसिटी ग्रेडियंट, डेंसिटी को देखने के लिए कि भाई कितना डेंसिटी है इसका, ये नहीं है, तो डेंसिटी देखने के लिए इस सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर पहले से कौन है, दैट इज द सीजियम क्लोराइड प्रेजेंट है। तो हम लोगों ने डेंसिटी ग्रेडियंट देखने के लिए हमने कौन सा एक रिएजेंट यूज किया, सीजियम क्लोराइड यूज किया। अब मैंने ये जो बैक्टीरिया था ई कोलाई, जो मैंने किसमें ग्रो करा, 15N और 15N में ग्रो किया, तो उसके डबल स्टैंड में कौन आ गया, 15N आ गया। ये मैंने क्या बनाया, डीएनए का मॉलिक्यूल बनाया ई कोलाई का, ठीक है, डबल स्टैंड।
तो उसके उसमें कौन आ गया 15 एंड 15 एन, और मैंने ये सारे ई कोलाई को यहाँ पे सेंट्रिफिकेशन कर दिया विद द हेल्प ऑफ द डेंसिटी ग्रेडियंट, दैट इज द सीजियम क्लोराइड। क्लियर, समझ में आ रहा बेटा? अब ये जैसे ही मैंने सेंट्रिफिकेशन करने लगी तो ये जो हैवी डीएनए है वो हम लोग क्या कर सकते हैं, नॉर्मल डीएनए से उसको डिस्टिंग्विश किया। अब मैंने क्या करा, ये यहाँ पे 20 मिनट के लिए, ध्यान से समझना, 20 मिनट के लिए मैंने इसको क्या करा, सीजियम क्लोराइड के अंदर उसको रिवॉल्व आउट करा था, और इसको मैंने ग्रो करा है 14NH4Cl। 14 क्या है, नॉर्मल है, नॉर्मल नाइट्रोजन है, लाइट नाइट्रोजन है। ये हम लोग बोलेंगे 15N क्या है, हैवी नाइट्रोजन है, हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन है, एंड 14N क्या है, दैट इज द लाइट नाइट्रोजन है। ठीक है, अब मैंने इसको क्या करा, ये जो स्टैंड है उसको मैं यहाँ पे ग्रो करके मैंने सीजियम क्लोराइड के अंदर डाला। अब यहाँ पे ये दोनों स्टैंड इस तरह से, जब मैंने देखा कि वो क्या हो रहा है, ठीक है, उस सेंट्रिफ्यूगेशन में, उसमें मैंने देखा ये था एक 15N का, ये जो मैंने बोला टेम्पलेट स्टैंड, ये भी एक टेम्पलेट स्टैंड है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि एक न्यू स्टैंड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए यहाँ पे ग्रो होना शुरू हो जाता, कौन सा, दैट इज दी 14N वाला देखने को मुझे मिल जाता, किसमें, वो सेंट्रिफ्यूगेशन में। मैंने ये वाला डीएनए पहले यहाँ पे ग्रो किया, ठीक है, 20 मिनट के बाद मैं देखती हूँ, जब मैंने सेंट्रीफ्यूग करा 20 मिनट के बाद मैंने देखा कि ये टेम्पलेट स्ट्रैंड अलग हो गया और न्यू डीएनए उसके साथ हो गया, दैट इज द कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए 14N एंड 14N, यानी हैवी के साथ लाइट लग गया, हैवी के साथ लाइट लग गया, गॉट इट। अगेन यहाँ पे हमने ये किया कि ये किस तरह से कर रहा है, फिर से मैंने 20 मिनट करा, ठीक है, और उसको वापिस 14 यानी कि नॉर्मल लाइट, दैट इज द लाइट नाइट्रोजन में मैंने उसे ग्रो करा, तो मुझे क्या रिजल्ट मिलता है। ओके, रिजल्ट मुझे इस तरह से मिलता है, देखिएगा, ठीक है, रिजल्ट यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ। रिजल्ट मुझे यहाँ पे ऐसा मिला है कि ये वाला जो स्टैंड है, मैं ये वाला लेती, भूल जाओ इसको, ये वाला एक स्टैंड, ठीक है, एक ये हुआ, देखो ये वाले स्टैंड में देखना बेटा, ये एक स्टैंड हुआ, दैट इज द 15N वाला हुआ ये, ओके, और ये वाला एक स्टैंड हो गया, ठीक है, दैट इज द 14N वाला। वापिस ये क्या हो रहा था, इसके साथ ग्रो कर रहा है, तो यहां पे भी क्या हो गया, दैट इज द ये 14N वाला ग्रो हुआ और इसके साथ वापिस ये 14N ग्रो, तो ये क्या हो गया, ये टेम्पलेट था, ये टेम्पलेट था, ये क्या हो गया कॉम्प्लीमेंट्री, ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, अब वापस हम लोग ये वाला चीज लेते हैं, ये वाली स्ट्रेंथ भी तो डिवाइड होगी ना बेटा, तो यहां पे मैंने ये लिया टेम्पलेट स्ट्रेंथ 14N वाला, ठीक है, 14N वाला लिया, और यहां पे मैंने ले लिया ये 15N वाला, है ना, वापस ये 14N वाला, यहां पे ये 14N वाला ग्रो हो गया और यहां पे इसके साथ वापिस 14N वाला ग्रो हो गया, कब, आफ्टर 20 मिनट। ठीक है, अब ध्यान से समझना, फर्स्ट क्या था, सेकंड, हमें सेकंड ये मिला था, मैं यहां पे ऐसा कर देती हूं, ठीक है, ये हमें सेकंड टाइम पे 20 मिनट में मिला था, तो ये 15N और 14N, 14N और 15N, तो मैं इसको ऐसा बोल सकती हूँ कि ये हाइब्रिड डीएनए है, ये हाइब्रिड डीएनए है, ठीक है, ये 15 14 14 14 14 14, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, बीच में ये 14 14 दिख रहा है, तो कुछ स्ट्रैंड ऐसे होंगे, तो ये क्या हो गया, लाइट डीएनए, ठीक है, ये क्या हो गया, लाइट डीएनए, और ये क्या हो गया, इसको भूल जाओ, ये 14 15, ये 15 14, तो ये क्या हो गया, हाइब्रिड डीएनए। ठीक है, तो हमें थर्ड टाइम पे क्या मिलता है, दैट इज दी लाइट डीएनए मिलता है, और ये दोनों कॉम्बिनेशन वाले जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, दैट इज दी हाइब्रिड, तो हमें क्या मिल जाता है, दैट इज दी हाइब्रिड डीएनए। समझ में आया बेटा? ओके, तो यहां पे हम लोग, यदि मैं ये सीजियम क्लोराइड के हिसाब से ये बनाती हूं कि जो हम लोगों ने जो बनाया था जो सेंट्रिफिकेशन का ट्यूब, यदि मैं ट्यूब के हिसाब से बनाती हूं, जो सबसे पहले क्या था, ध्यान से समझना बेटा, सबसे पहले क्या बनाया था मैंने,
ये बनाया था फर्स्ट, ध्यान से ये एक्सपेरिमेंट समझना, फर्स्ट क्या था, हैवी था 59, और 59 वाला था पेरेंटल डीएनए, तो ये क्या था हैवी, ये हैवी आइसोटॉप ऑफ नाइट्रोजन था, तो ये यहां पे क्या होगा, ये लास्ट में ऐसे बैठा है, तो ये मैंने क्या बना दिया, दैट इज नोन एज दी, इसको हम लोग बोलेंगे हैवी फर्स्ट, ठीक है। सेकेंड, ये सेकेंड में क्या हम लोगों ने बनाया था, हाइब्रिड बन रहा था, सेकेंड में क्या बन रहा था, सेकेंड में हाइब्रिड, हाइब्रिड मीन्स क्या है, एक हैवी और एक लाइट बन रहा था, हैवी और लाइट, तो ये यहां पे इधर ऐसा आया, इसका ग्रेडियंट बीच में, तो ये हम लोगों ने बोल दिया हाइब्रिड। और फोर्थ, थर्ड नंबर पे मुझे क्या मिल रहा था बेटा, थर्ड नंबर पे मुझे क्या, हाइब्रिड भी मिल रहा था, हाइब्रिड भी मिल रहा था, और हाइब्रिड भी मिल रहा था, और दैट इज द लाइट भी मिल रहा था। अब लाइट तो क्या होगा, यहां पे होगा, लाइट यहां पे होगा, तो ये लाइट मिला और हाइब्रिड मिला था, दैट इज द हाइब्रिड, ठीक है। अब लिख देते हैं, हैवी यानी कि दैट इज द 59, है ना, ये क्या मिला था 59, 49, लाइट क्या मिला था 59, लाइट क्या था, दैट इज 49 and 14N, और हाइब्रिड क्या था 49 and 59, क्लियर, समझ में आ गया आप लोगों को। तो ये हमारा डायग्राम के साथ आप लोगों को ये ध्यान रखना है, क्या, दैट इज द मैसलसन, मैसलसन एंड स्टेहल ने 1958 में ई कोलाई में ये करा, वेर एज सेम एक्सपेरिमेंट कौन, एक और साइंटिस्ट आया था टेलर, याद रखना, ठीक है, उसने क्या करा था, इस टेलर ने क्या करा था, रूट टिप ऑफ विकिया फैबा में, दैट इज द उसको बीन्स में, उसने ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था। यहां पे हमने सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट का लिया, उसने क्या लिया था, दैट इज द रेडियो एक्टिव थायमिडिन। इससे वो क्या प्रूफ कर रहा है कि टेम्पलेट स्ट्रैंड से, मैसलसन स्टाइल ने क्या बोला था, जो 59 जो टेम्पलेट हुआ था, ये हमारा टेम्पलेट था, वो टूट के किसमें हो गया, हाइब्रिड में, सेमी कंजर्वेटिव लेके आ रहा था ना वो, तो ये सेमी कंजर्वेटिव नेचर, वो इट मीन्स दैट डीएनए क्या करते हैं, रेप्लीकेट करते हैं, वो सेमी कंजर्वेटिव इंफॉर्मेशन लेके आते हैं, क्लियर। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज एंजाइम्स फॉर डीएनए रेप्लीकेशन। मैंने आपको बताया कि रेप्लीकेट हो रहा है, टेम्पलेट होता है, और फिर न्यू सिंथेसाइज दैट इज द कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाता है, जो हाफ इंफॉर्मेशन फ्लो करता है, इसलिए सेमी कंजर्वेटिव हम लोग उसको बोलते हैं। तो ये जो होता है डीएनए रेप्लीकेशन करने के लिए, बहुत सारे एंजाइम की जरूरत पड़ती है। एंजाइम यानी कि एक ग्रुप ऑफ कैटालिस्ट है, सेट ऑफ कैटालिस्ट है, ठीक है। उसमें जो फर्स्ट हमारा डीएनए सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है, दैट इज नोन एज दी डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ये एंजाइम होता है, ठीक है। ये एक ऐसा एंजाइम है जो डीएनए टेम्पलेट को किसमें कन्वर्ट करता है, वो डीएनए टेम्पलेट किसमें हो जाता है, पॉलीमराइजेशन करवाता है, ठीक है। टेम्पलेट का मीनिंग है कि एक से पॉलीमराइजेशन, यानी एक डीएनए से 1000 डीएनए हम लोग बना रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है, पॉलीमराइजेशन, टूट टूट के वो बिखर के फिर न्यू उसके साथ कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, और इस तरह से वो फास्ट करता है। इस एंजाइम में इतना है कि वो पॉलीमराइजेशन कितने रेट में करवाता है कि 2000 बेस पेयर्स होते हैं, वो कितने, हर एक सेकेंड में इतने पॉलीमराइजेशन होने का वो फास्ट प्रोसेस करवाता है, कौन सा, ये वाला एंजाइम्स, ठीक है। अब यहां पे हम लोगों ने देखा प्रोकैरियोटिक मींस छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो हम लोगों ने ये देखा कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, ओके, उसमें मुझे जनरली ये जो डीएनए पॉलीमरेज था जो मैंने बताया आपको, दैट इज द डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज मुझे प्रोकैरियोट्स में अलग देखने को मिलता है,
और हम लोग जैसे यूकेरियोट्स में भी अलग देखने को मिलता है, है एंजाइम ही पर इसके भी वेरिएशन है, उसके भी अलग अलग टाइप है। तो हमें डीएनए, दैट इज द डीएनए पॉलीमरेज, हमें प्रोकैरियोट्स में, दैट इज हम उसको नाम बोलेंगे, दैट इज डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3, इस तरह से मुझे प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलते हैं, ठीक है। वेयर एज यूकैरियोट्स में मुझे ये डीएनए पॉलीमरेज अलग अलग देखने को मिलते हैं, तो मैं उसको बोलूंगी दैट इज नोन एज दी पॉलीमरेज, पॉलीमरेज अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, सिग्मा। तो ये सब मुझे अलग अलग देखने को पॉलीमरेज दोनों प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में देखने को मिलता है, ठीक है। ये एंजाइम्स क्या करते हैं, पॉलीमराइजेशन करते हैं, जिससे बहुत ही क्या मिल सके, लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स मिलता है। लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स का मीनिंग क्या है, दैट इज द डीएनए के मॉलिक्यूल्स देखने को मिलते हैं बहुत ही शॉर्ट टाइम में। कभी कभी कोई मिसमैच हो जाता है, यानी मिसमैच यानी कि सपोज ये टेम्पलेट था और ये कॉम्प्लीमेंट्री, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री लग रहा है और ये कॉम्प्लीमेंट्री लग रहा है, कभी मिसमैच हो गया, ए के साथ टी ही लगता है पर टी की जगह सी लग गया, जी की जगह ए लग गया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि म्यूटेशन हो गया। म्यूटेशन हो गया यानी चैप्टर 5 वाला डिसऑर्डर, मेंडेलियन डिसऑर्डर या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग एंजाइम ने, एंजाइम क्या हेल्प करता है, वो कभी कभी हेल्प ये भी करता है कि वो रिमूव करता है, ध्यान से समझना, रिमूविंग मिसमैच, मिसमैच न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। उसको पता है कि भाई ये गलती से लग गया तो उसको हटा के सही वाला लगा देना है। बाय मैकेनिज्म, कौन सा मैकेनिज्म से उसको पता चलता है कि ये मिसमैच हो चुका है, दैट इज नोन एज दी प्रूफ रीडिंग, दैट इज नोन एज दी प्रूफ रीडिंग, ठीक है, समझ में आया। तो ये हम लोगों को डीएनए पॉलीमरेज, ये फर्स्ट हमारा एंजाइम था। वैसे ही ये जो सेकेंड एंजाइम हम लोग पढ़ रहे हैं, सेकेंड एंजाइम आता है दैट इज हेलिकेज, एज एज आ रहा है, देखो एंजाइम ही होता है, ठीक है। हम लोग जिस तरह से ये पीछे वर्ड लगता है उसे पता चल जाता है कि एंजाइम की बात कर रहे हैं। देखो हेलिकेज, हेली मीन्स हेलिक, इट मीन्स दैट हेलिकल स्ट्रक्चर। तो हेलिकल स्ट्रक्चर को हम लोगों को पता है कि डीएनए क्या है, वो एक हेलिकल स्ट्रक्चर है ना। अब इसको क्या करना है, हमें एक का दो करना है डीएनए, तो उसको क्या करना है, इस हेलिकल स्ट्रक्चर को खोलना पड़ेगा, यानी कि अनवाइंड करना पड़ेगा, ओपन, अनवाइंड का मीनिंग ये खोलना पड़ेगा, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ, यहाँ पे ये जो हमने हेलिकल स्ट्रक्चर बनाया है, तो यहाँ पे ये, यहाँ पे एंजाइम काम करता है, कौन सा, हेलिकेज एंजाइम, वो जिससे ये डीएनए अनवाइंड हो जाए, तो वो हेल्प करता है, इट अनवाइंड्स दी डीएनए स्ट्रैंड, इट अनवाइंड्स दी डीएनए स्ट्रैंड, दैट इज इट सेपरेट दी टू स्ट्रैंड फ्रॉम वन पॉइंट, ठीक है। जिससे अब ये जैसे ही ये खोलेगा तो इस तरह से ये फॉर्म्ड होगा, और ये जो फॉर्म्ड हो रहा है, ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म्ड हुआ, वो फॉर्म क्या करता है, दैट इज नोन एज दी रेप्लिकेशन फॉर्क। तो हेलिकेज क्या करता है, रेप्लिकेशन फॉर्क बनवाता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था सेकेंड हमारा एंजाइम। थर्ड एंजाइम आता है दैट इज टोपो आइसोमीरेज, टोपो आइसोमीरेज, ओके। अब टोपो आइसोमीरेज क्या, जैसे हम लोगों ने बोला अनवाइंड डीएनए करा, द अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए, जो डीएनए हो चुका है इस तरह से ये ऐसा रेप्लिकेशन फॉर्क बना दिया है, यहाँ पे हेलिकेज ने काम कर चुका है, उसके वजह से ये दोनों चीज क्या हो रही है, ये दोनों चीज क्या कर रही है, एम्बेडेड है, लटक रही है, उसके वजह से यहाँ पे बीच में टेंशन हो रहा है, ठीक है। वहां पे एक टेंशन आ रहा है, इट क्रिएट्स अ टेंशन, ठीक है, इन द डीएनए स्ट्रैंड, ओके। जिससे वहां पे ये टेंशन जैसे ही क्रिएट होता है, वो क्या रिलीज कर देता है, वो रिलीज करता है टोपो आइसोमीरेज, जिससे ज्यादा टेंशन क्रिएट ना हो और वो टूट ना जाए बीच में से, ठीक।
ठीक है, तो ये टेंशन क्या क्रिएट कर देता है, दैट इज द टोपो आइसोमेरेज. क्लियर. फर्स्ट एंजाइम हमने पढ़ा था डीएनए पॉलीमरेज, उसमें दो टाइप थे, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट. फिर हम लोगों ने ये कहा था कि जो एंजाइम होते हैं कभी कभी मिसमैच लग जाते हैं, उसको हम लोगों ने बोला था प्रूफ रीडिंग. सेकेंड एंजाइम पढ़ा था हेलिकेज, जो एक पॉइंट से वो सिंथेसाइज्ड करते हैं, यानी सेपरेट करते हैं टू स्ट्रैंड्स को एक पॉइंट से, जिससे वो रेप्लिकेशन फॉर्क बने. जैसे ही रेप्लिकेशन फॉर्क बनता है वहां पे एक टेंशन क्रिएट होता है, और जैसे ही टेंशन क्रिएट होता है वो क्या रिलीज करता है, टोपो आइसोमेरेज. ठीक है, अब आता है दैट इज द फोर्थ एंजाइम, जो आप लोगों ने दैट इज द चैप्टर 11 में भी पढ़ा हुआ है. अब आता है मॉलिक्यूलर ग्लू. मॉलिक्यूलर सीजर था डीएनए पॉलीमरेज, और मॉलिक्यूलर ग्लू क्या है, डीएनए लिगेज. पढ़ा है ना आप लोगों ने. तो ये जो डीएनए लिगेज होता है, जो डीएनए लिगेज होता है वो हेल्प करता है, हम लोगों ने ये पढ़ा कि ये इस तरह से ये रेप्लिकेशन फॉर्क बना. ओके, और यहाँ पे कौन लगेगा, न्यू सिंथेसाइज डीएनए, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए लगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए लग गया इसके साथ. ओके, ये जो डीएनए स्ट्रैंड जो जिससे फॉर्म्ड हुआ, हमें पता है कि ये 5 प्राइम 3 प्राइम, ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम. तो ये क्या होगा, यहाँ पे ये 5 प्राइम होगा, ये जो नया स्ट्रैंड आया वो 3 प्राइम हुआ, ये 5 प्राइम है तो ये 3 प्राइम हो गया और ये 5 प्राइम हो गया. हमें पता है 5 प्राइम में कौन सा ग्रुप होता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है. ठीक है, और 3 प्राइम में कौन सा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दैट इज द OH ग्रुप होता है. क्लियर. तो यहाँ पे ये क्या करता है, वो फॉर्मेशन करता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. फॉस्फोडाइएस्टर यानी कि ये दोनों स्टैंड के बीच में ये लाइगेज काम करेगा, ये दोनों के बीच में लाइगेज काम करेगा, जिससे फिर धीरे धीरे ये इधर से सेपरेट होना शुरू कर देगा. तो लाइगेज क्या करता है, वो फॉर्म करता है, कौन सा बॉन्ड फॉर्म करेगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. तो मैंने आपको बताया था फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बिटवीन 3 प्राइम टू द 5 प्राइम बॉन्ड. ठीक है, 5 प्राइम, और ये हेल्प करता है कि इट हेल्प्स द रिपेयरिंग सिंगल स्ट्रैंड विच ब्रेक्स इन डुप्लेक्स डीएनए. ये जो सिंगल स्टैंड हुआ था, ये टूट गया था सिंगल स्टैंड, और वो क्या बना रहा है, वापिस उसके साथ दूसरा, तो ये क्या हो गया, डुप्लेक्स. ये भी सिंगल स्टैंड था तो उसके साथ वो होके वो क्या बना रहा है, दैट इज द डुप्लेक्स डीएनए. तो वो रिपेयर करता है, जब एक सिंगल स्टैंड टूट के दूसरे के साथ बनाता है तो वो होता है दैट इज द डुप्लेक्स डीएनए. क्लियर. तो बेटा ये आज का हमारा टॉपिक था, तो आप लोग ये प्लीज अच्छे से कंप्लीट करिएगा, लर्न करिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है नीट के लिए. ठीक है, बहुत पूछा जाता है ये चैप्टर, तो आप लाइक बटन को क्लिक करना ना भूलिए और शेयर करना नहीं. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स.